अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अपनी रानी और राजकुमार की ढाल बना राजा लड़ता रहा, अपनी सांसें दे दी, लेकिन उनकी सांस जोड़ता रहा। किस्मत नाराज थी, है उसका अंजाम हुआ। राजकुमार आज के बाद पिता के बिना अनाथ हुआ। मेरा अभी दूध पीने का मन नहीं है। जी पीजिए ना, मैं आपके लिए बहुत प्यार से लेकर आई हूँ। अमृता, अब तुम इतने प्यार से दे रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। अमृता, तुम्हारे हाथों से मैं दूध क्या जहर भी पी लूं। अचानक मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ बबल जी? बबल जी आप ठीक तो है ना? हाँ, थैंक यू। इच्छा, क्या सोच रही हो? अब क्या हुआ? अगवंश तो गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अगवंश गया है, लेकिन अमृता के रूप में विशैली अभी भी है और वो चुप है। बाकू, उसकी इसी चुप्पी से मुझे डर लग रहा है। मैं समझा नहीं। अगवंश की हार एक तरह से अमृता की हार है। इतनी बड़ी हार के बाद अमृता का फूट पड़ना, चीखना, चिल्लाना स्वाभाविक था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने इतना बड़ा अपमान चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। इसका मतलब यह है कि उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, कोई बड़ी योजना जो शायद इस घर के लिए, नागिस्तान के लिए, हम सबके लिए खतरनाक हो सकती है। तो अब क्या करें? पता लगाना होगा वाकू। अगर वो सामने से गलती है तो ठीक है, वरना उसके पेट में घुस कर उसका ये राज बाहर निकालना होगा हमें। वाकू, कोई आया, जल्दी जा। आप? हाँ मैं। क्यों? जिंदगी में आने से मना कर दिया है, अब क्या कमरे में भी आने से मना करोगी क्या? मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। कहाँ? शॉपिंग करने जाना, कुछ खरीदना है अमृता के लिए। अच्छा, तो आप अकेले जाइए ना, मुझे क्यों साथ ले जा रहे हैं? वैसे भी आपको बड़ा तजुर्बा है लड़कियों के लिए गिफ्ट खरीदने का। इच्छा, आज तक मैं गलत लड़कियों के लिए गिफ्ट खरीद रहा था, सही लड़की के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहा। और वैसे भी तुम्हारी और अमृता की पसंद एक ही है ना? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। तुम्हें आना होगा। नौकर नहीं हूं मैं आपकी। लेकिन मेरे घर में तो रहती हो ना? आपका घर सिर्फ आपका। अच्छा, आपने याद दिला दिया, मैं तो गलती से इसे अपना घर समझ बैठी थी। ये अच्छा, गलती तुम करो, दिल तुम तोड़ो, और इतना कुछ करने के बाद आंसू भी तुम्हारे, सारी हमदर्दी सिर्फ तुम्हारे लिए। एक मिनट, मैंने किसी से कोई हमदर्दी नहीं मांगी है।
क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है। और हाँ, अगर आप अपनी बात कह चुके हैं तो प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है। अब तक मैंने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अब कहूंगा और अब की बार वो कहूंगा जो तुम कभी सपने भी नहीं सोच सकती। तुम बस देखती जाओ। अरे भाई, ये बबल ढोल क्यों बजा रहा है? अरे छोटे, ये वक्त है इन बातों का? अरे अभी ये सोच के बबल ढोल क्यों बजा रहा है? हाय हाय अम्मा जी, आज ये ढोल बजा रहा है, कल ये घोड़ी चढ़ेगा, परसों ये शादी करेगा और तरसों इसके बच्चे हो जाएंगे। हाय, मुझे तो तैयार होने का टाइम भी नहीं मिलेगा। बताओ, चुप कर। खड़ी खड़ी बातें ठोक रही है। यो ना के अपने छोरे से पूछे के वो ढोल क्यों बजा रहा है। चुप कर, चुप। अरे क्या बात है छोरे, ढोल क्यों बजा रहा है तू? खुशखबरी पिताजी, खुशखबरी? शादी से पहले? छोटे, ये पहलवानों के संस्कार ना होते। अरे भैया, वो वाली खुशखबरी नहीं, दूसरी वाली खुशखबरी। दादी, मैंने फैसला किया, मैं अमृता के साथ आज ही सगाई करूंगा। खड़क, तारा ये छोरा बिल्कुल पागल हो गया है। अरे इतनी जल्दी सगाई की तैयारी कैसे करेंगे? अरे दादी, सगाई में सबसे जरूरी क्या होता है? एक लड़का, एक लड़की, दो अंगूठी और ढेर सारे आशीर्वाद। अंगूठियां एक आधे घंटे में आ जाएगी, बाकी सब तो तैयार है। हाँ छोरा, वो तो ठीक है, लेकिन अमृता के माँ बाप, उनको भी तो बताना पड़ेगा ना। और वो यहाँ पहुंचे इसके लिए उन्हें समय भी देना पड़ेगा, और अभी तक तो हमने अमृता के माँ बाप से बात ही नहीं की है। अचौरी, तू तेरी माँ को फोन तो लगा, मैं बात करती हूँ। उनसे अभी बात नहीं हो पाएगी दादी जी। क्यों? वो अभी यहाँ, मेरा मतलब वो इस देश में नहीं है। अरे फिर तो ये सगाई ना हो सकती। अरे जिस लड़की के माँ बाप इस देश में ना हो, उससे सगाई कैसे कर सकें? बात तो सही कह रहा है प्रबल। दादी, सगाई आज ही होगी, जो हो उनके साथ, जो ना हो उनके बगैर। लेकिन छोरा, एमा, मैं क्या बोलू हूँ कि छोरे का मन है तो कर देते हैं सगाई। अमृता के माँ बाप को हम समझा देंगे कि वो बच्चों की जिद थी तो हमने कर दी सगाई। तो ठीक है, सगाई आज ही होगी। छोरा, और कुछ मांगना है तो मांग ले, आज तारी दादी बहुत खुश है। दादी, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि आज शाम को मेरी सगाई में इच्छा डांस करेगी। इच्छा, तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम्हें वहीं उसी वक्त मना कर देना चाहिए था।
और कितना दुख दोगी खुद को? जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो किसी और का होने जा रहा है, वो किसी और से सगाई कर रहा है और तुम उसी की सगाई में। नहीं नहीं, तुम अभी जाओ और जाके दादी को मना कर दो कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं नाचोगी। नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं किसी और के जरिए, मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती इच्छा। हाकू, मेरे लिए अपनी तकलीफ से ज्यादा बबल जी की खुशियां मायने रखती है। आज पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा है, मैं मना नहीं कर सकती। इच्छा, किन खुशियों की बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना किससे शादी कर रहा है वो? वो शादी उसे दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं देगी। जानती हूँ वाकू, लेकिन लेकिन मैं क्या कहकर उन्हें रोकूंगी? मुझे मुश्किल तो पता है, लेकिन उस मुश्किल का हल नहीं है मेरे पास। इसलिए फिलहाल वो जो भी कह रहे मुझे करना ही होगा। ऐसे भी बबल जी के लिए कुछ करने का ये आखिरी मौका है मेरे पास। शादी के बाद ना मैं उनके साथ हंस पाऊंगी, ना उनके साथ दुख बांट पाऊंगी। इसलिए दिल और कदम साथ दे ना दे, मुझे नाचना होगा। तुम भागू, इस घर के बहुत एहसान है मुझ पर, समझ ले मैं उन एहसानों की कीमत चुकाने जा रही हूँ। अब इसी तरह तड़पेगी इच्छा, हर रोज तड़पेगी। हम इसी तरह बबल को जहरीला दूध पिलाते जाएंगे और वो इच्छा के खिलाफ जहर उगलता जाएगा। पहली जीत मुबारक हो वैशाली, आपके पिलाए हुए दूध ने तो कमाल कर दिया। एक झटका और बबल की आवाज, उसके तेवर, उसकी सोच, सब बदला बदला लग रहा है और कुछ दिनों में वो नाक की तरह उपकारने भी लगेगा। अब ये कौन आ गया? नागेश। अमृता जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए, कहिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। बात बहुत छोटी सी है जी। आप कहिए तो सही। मतलब बहुत छोटी है जी, ना के बराबर है। बात छोटी सी हो या बड़ी, आप कहिए तो सही। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि बात इतनी छोटी है ना जी, कि मेरे दिमाग के कोने से कहीं निकल गई है। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब आप आ जाना। ओके? याद आया, एक मिनट एक मिनट। अमृता जी, आप ना बब्बल से सगाई मत की। ये छोटी बात है। हाँ जी, कितनी छोटी तो है, कुल मिला के कितने इसमें, 6 शब्द हैं। आप बब्बल से सगाई मत कीजिए। हो गई ना छोटी बात? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे आप समझ ना रही, आप पूरब हो तो वो पश्चिम, आप देखने में इतनी सुंदर हो और वो। ऐसा कुछ नहीं है, बब्बल जी काफी अच्छे लगते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने कभी उसे डाइपर में देखा है के? क्या? हाँ डाइपर में मैंने देखा, बचपन में हर 20 मिनट में तो डाइपर गीला करता था वो। कितने डाइपर बदलेंगी आप? बब्बल जी, तब बब्बल जी छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं। अरे तो मैं आपको बताता हूँ ना, हम दोनों गन्ने के खेत में गए गन्ना खाने के लिए, गन्ना खा रहे हैं, वो गन्ने को लेके जमीन पे मारता धाड़ धाड़ धाड़। मैंने पूछा क्या कर रहा भाई, कहता भाई इसमें से तो शक्कर निकल ही ना रही। मैंने उसे बताया, अरे बेवकूफ, शक्कर गन्ने में से ना निकलती है, शक्कर निकलती है किराने वाले की बोरी से। बब्बल जी आप ये सब, अरे रुकिए आप, आगे तो सुनिए। हम दोनों के सामने शेर आ गया, शेर ने धाड़ मारी है, बब्बल घबरा के भाग गया, मैं डटा रहा, टस से मस ना हुआ। शेर की आंखों में आंखें डाल के मैंने बोला, शेर भाई अगर एक बार किसी की तस्वीर मेरी आंखों में छप जाए ना, तो फिर जिंदगी भर में उसे भूलता ना हूं। शेर वहीं खड़ा रहा। शेर आपके इतने करीब था और शेर ने आपको कुछ किया नहीं? नहीं जी, शेर पिंजरे के अंदर था ना, सर्कस देखने गए थे हम। लेकिन जरूरी बात ये ना है, सोचने वाली बात ये है कि मैं बिल्कुल ना डरा। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं सबल जी? आप समझ नहीं रही अमृता जी, आपको जिस बंदे से सगाई करनी चाहिए ना,
वो बचपन से होशियार होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मेरी तरह। आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह से बात करते हुए? आपने सोचा भी कैसे कि आपकी शादी मुझसे हो सकती है? और अगर बबल जी ने आपको ये सब मुझसे कहते हुए सुन लिया तो उन्हें कैसा लगेगा? जाइए यहाँ से, जाइए, जाइए यहाँ से, और दोबारा बताना। अरे क्यों हुआ छोटे? अरे भाई ये लड़की सीधे सीधे मारने वालों में से ना है, इसके लिए ना हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। चल आराम से बैठ के सोचते हैं, आजा। अरे क्यों हुआ, यहाँ क्यों बैठ रहा है? चल। भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो आप? गरम तेल की कढ़ाई में रसगुल्ला छोड़ दिया मैंने। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। एक बार ये नामकरण की विधि पूरी हो जाए उसके बाद सबको सच बता देंगे। नामकरण की विधि? अरे बबल की सगाई हो रही है, वो भी गलत लड़की के साथ, मेरी गलती की वजह से। अरे कुत्ता, ये सगाई रोकने के लिए कुछ करना। मैंने कहा ना अब कुछ नहीं हो सकता, ये सगाई नहीं रुकेगी। अरे तो मैं भी आ रहा, रुक सकता छोटे। ये स्टेप कैसा है देख तो? बहुत ही अच्छा है माँ जी। आज मेरे बब्बल की सगाई है, मैं तो जम के नाचूंगी। मेरी जोहरा जबी, आए दिन हमारे घर में सगाइयां हो रही हैं, शादियां हो रही हैं। मन भी अपने पुराने दिन याद आवे है, दिल मचल जावे है। अटू जी अपने दिल को जरा काबू में रखिए, कहीं अम्मा जी आ गई तो आपका दिल पड़क करके निकल पड़ा है। अरे मैं क्या माँ से डरता हूँ? आना दे, मैं किसी से नहीं डरता दुनिया में। ये चल रहा है? अरे बे 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 बे, कुछ ना माँ, वो मैं चंचल से कह रहा था कि देख अब तो हमारे सबसे छोटे बेटे की भी सगाई हो रही है, अब हम वाकई बूढ़े हो गए हैं। क्यों चंचल? लेकिन पिताजी अभी अभी तो आप दिल दिल में चलने की बात कर रहे थे। अपने काम से काम रख, देख बड़े कोई बातें में बीच में नहीं बोलते। चंचल। अम्मा जी ये लो आ गया हमारा छोरा, कितना सुंदर दिख रहा है, भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। ममता तूने अमृता को बोल दिया है ना वो शगुन वाला दूध लेके आने के लिए? वो दूध पिलाने के बाद ही रस्म होगी और ये रस्म हमारे परिवार के लिए बहुत ही अहम है। जी दादी जी मैंने बोल दिया। अच्छा ये रस्म मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरे लिए तो ये एक और मौका है बब्बल के शरीर में जहर छोड़ने का। जितना ज्यादा जहर जाएगा उतनी जल्दी बब्बल नाग बनेगा। प्रणाम दादी जी। जीती रहे आ बैठ, हाथ खड़क। अच्छा तू भी बैठ बेटा, बैठ जा। बड़ी सुंदर दिख रही है। चलो दूध पिलाने की रस्म शुरू करते। यहाँ क्यों लेके आ गया? मुझसे देखा ना जाएगा यो। भाई आपसे देखा ना जा रहा ना वो सब, आप अपनी एक आंख बंद कर लो। वो क्यों? अरे करो तो सही। हाँ अब ना आप अमृता वाली सगाई मत देखो, आप ना सिर्फ बबल वाली सगाई देखो, अपना छोटा भाई है ना वो। हाँ छोटे अब ठीक लग रहा है ना, देखो देखो। लो जी दूध की रस्म तो पूरी हो गई, अब एक दूसरे को गुठी बनाओ। एक मिनट पिताजी।
दादी, मैंने आपसे कुछ मांगा था। क्या मांगा था? कि मेरी सगाई में इच्छा नाचेगी। वो इच्छा कहाँ है? We'll be right back.